उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सामूहिक नरसंहार की स्क्रिप्ट 74 साल पहले बिहार कैडर के एक आईएएस ने लिखी थी। अब इस मुद्दे को लेकर बवाल मचा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही लाख सफाई दें, लेकिन काफी हद तक उनकी सरकार के अधिकारी खूनी संघर्ष के लिए जिम्मेदार। सोनभद्र जिले के घोरावाल थाना इलाके में एक गांव है उम्मा, जहां का प्रधान है यज्ञदत्त। खूनी संघर्ष प्रधान और वनवासी गुट के बीच हुआ है, जिसमें 10 लोगों की मौत और 28 लोग घायल हैं। इसी गांव में प्रियंका गांधी जा रही थी, जिसके बाद सीएम योगी ने सफाई देते हुए पूरे घटनाक्रम को बताते हुए प्रियंका गांधी पर काउंटर किया है। इस पूरे प्रकरण के लिए 1955 और 1989 में भूमि संबंधी जो भी ये गलत अभिलेखों में दर्ज करने या फिर गलत तरीके से कुछ लोगों के नाम पर चढ़ाने की पूरी कार्रवाई उस समय कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी। सीएम योगी की माने तो सामूहिक नरसंहार के लिए उनकी सरकार दोषी नहीं है, लेकिन सीएम योगी का ये कहना सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है, क्योंकि वनवासियों को बेदखल करने का आदेश उनकी सरकार के अधिकारियों ने 6 फरवरी 2019 को ही दे दिया था। इसी आदेश को आधार बनाकर प्रधान 32 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर 300 लोगों और 6 बोलेरो पर दर्जनों राइफल धारियों के साथ पहुंचे थे। विवाद बढ़ने पर प्रधान के गुंडों ने राइफल से 26 राउंड गोलियां दागी, जिसमें 10 लोग मारे गए। कहा तो यहां तक जा रहा है कि डायल 100 के आने के बाद भी राइफलें गोलियां उगलती रहीं। अब बात करते हैं 74 साल पुरानी स्क्रिप्ट की, जो बिहार कैडर के आईएएस ने लिखी थी। इस आईएएस का नाम है सुधीर कुमार मिश्रा, जिसने 1955 में करीब 600 बीघा जमीन आदर्श सोसाइटी के नाम खतौनी पर चढ़वा ली। 1989 में आईएएस साहब ने जमीन को अपनी बेटी और पत्नी के नाम पर दिया, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिला। पहले की तरह वनवासी समुदाय के लोग जमीन पर खेती बाड़ी करते रहे। बताया जाता है कि 200 बीघा जमीन प्रधान यज्ञदत्त ने आईएएस की बेटी और पत्नी से बैनामा खरीद ली। ये बैनामा 17 अक्टूबर 2010 को हुआ। पिछले 9 सालों से प्रधान कब्जे के लिए लगा हुआ था। इधर अधिकारियों को मिलाने में कामयाब हुआ तो उसे खून की नदी बहानी पड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।